दोस्तों, मैं अभिन सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में, जो कि आपको मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट कर दिया है दो भैंसों से। और जो मैं पहली भैंस लेके आया था उसकी वीडियो डाल दी थी, जिसमें मैंने रेट और उसका मिल्क कैपेसिटी भी सब बताई थी। और आज की वीडियो में हम आपको जो हमारे फार्म के लिए दूसरी भैंस लेके आए हैं उसकी डिटेल और रेट बताने वाले हैं। दोस्तों, यह भैंस हम 68,000 यानी 68,000 रुपये की लाए हैं, जो कि भिंड मध्य प्रदेश से ली है। दोस्तों, जब यह भैंस हमने ली थी तो यह लगभग 10-11 दिन की ब्याई हुई थी और इसके नीचे फीमेल काफ यानी कटड़ी है। और तब हमने इसकी लगभग 2 बार मिल्किंग की थी, तब इसका दूध 5 लीटर 3 थनों में था। और दोबारा मिल्किंग की तो भी इतना ही दूध निकला था 3 थनों में। और यदि 4 थनों की बात करें तो इसमें 6, 6.5, 7 लीटर तक भी दूध है, 6 से 7 के बीच एक टाइम का। दोस्तों, यह लेके आए और यहाँ पर भी जहाँ से हम लेके आए हैं वहाँ पर इसकी केयर थोड़ी कम थी, क्योंकि जो किसान था वह उसके यहाँ ज़्यादा भैंसें थी और वह बुजुर्ग किसान था, अकेला भैंसों की सेवा करने वाला। इस वजह से वहाँ पर इसकी केयर कम थी। जब हम यहाँ लेके आए तो कुछ दिनों तक इसने 3 थनों में 5 लीटर टाइम का दूध दिया, और अब लेकिन यह 3 थनों में सुबह लगभग 5.5 लीटर और शाम को 5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा 3 थनों में दूध दे रही है। एक पूरा थन इसकी जो फीमेल काफ है उसको छोड़ देते हैं। और यह जो आप दूसरी भैंस बीच वीडियो में बीच बीच में देख रहे हैं, यह हम 72,000 की लाए थे जो कि ब्या गई है। इसकी भी वीडियो हम आपको डालेंगे कि कितनी गारंटी पर यह हम लाए थे और कितना मिल्क हमारे यहाँ पर यह दे रही है। दोस्तों, खेती किसानी और पशुपालन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, हम अपने डेयरी फार्म की और नई नई वीडियो डालने वाले हैं, जैसे कि हम अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं जिससे वह अच्छा दूध देते हैं, और भी वीडियो डालेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।